तो भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हम लोग में बिल्कुल जो हमारे में बिल्कुल नहीं है, हमारे में बिल्कुल नहीं है। गाइस क्या कर मिनट पहले तक इससे हमारे ड्राइवर सर से बोल रहा था कि 100 की स्पीड में हैंड ब्रेक खींच के पता क्या हो रहा है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. यहां 100 की स्पीड में रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? तो गाइस ये आखिरी ब्लॉग भी हो सकता है। चाचा रुको, अरे चाचा बेंच यहाँ पे हम लोग गाइस जा रहे हैं। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? डार्क लॉर्ड भाई बताया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐसा हाथ दिखाई पर मोहिंद जरा लाइक मुट्ठी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए चारों की। गाइस देखो अभी फिलहाल हम लोग हैं खेतों के बीचों से जा रहे हैं। अभी देखो गाइस तुम लोग यहाँ से ना एक पत्थर फेंकोगे ना झाड़ में 3 सर ऊपर उठेंगे, समझ जाना। तो लड़की उठी तो फिर ये भाई गाड़ी रोक के वहाँ पे। और गाइस यहाँ पे हम लोग का बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है। सुबह से उठ के हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, तो पहले हम लोग घाटियावाड़ी खाना खाने वाले। हमारे साथ है हमारे डार्क लॉर्ड भाई जो कि दिल्ली से आए हैं। एक बार जरा दिल्ली का सिग्नेचर डालने वाले हैं। ओके सॉरी, यही डालने वाले हैं, गलती हो गई। और देख सकते हो यहाँ पे एक वेरुल्फ भी डेड क्रिएटर। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just keep. आज पता साहिल भाई क्या हुआ, एक बंदा चैट में पूछा तुम्हारा कंप्यूटर कौन सा, हम लोग बोले वेरुल्फ का है, बोलते ये तो लोकल लग रहा है। और गाइस देख रहे हो कैसे खेत, कौन कहता है बड़ौदा में खेत नहीं है, उसको मेरे सामने मत लाना, क्योंकि बड़ौदा में हमें खेत मिल चुका है और यहीं पे हम लोग करियर तो वैसे भी स्ट्रीमिंग का नहीं चल रहा है तो खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करने वाले हैं। हाँ अभी गाइस जिसको भी डार्क लॉर्ड वेरुल्फ ड्राइवर और ट्रेस मैक से मिलना हो बड़ौदा के इन खेतों में हमें ढूंढे एक बार। वेरुल्फ मैक्स में तुम्हें कहना है, तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बार नाम बता दो तो जगह कौन सी है। ये जगह देख रहे ये जगह देख रहे हो कहाँ गया? डबोई रोड से पहले, डबोई रोड से पहले रास्ते में जैसे तुम्हारा सिक्का गिर गया हो वैसे ढूंढते ढूंढते हमें ढूंढ लेना। बहुत अच्छी सीनरी आ रही है, देखो गाइस कितना प्यारा जगह है। ओह माय, तो आज हम लोग काठियावाड़ी खाना खाने भी जाने वाले, साथ में नाश्ता भी करेंगे, जहाँ पे वेरुल भाई ने बोला है चल तेरे को समोसा वड़ा खिलाता हूँ जिसमें मसाला नहीं है, तो पता नहीं वो क्या खिलाने वाले हम लोग को। और भाई क्या हाल चाल भाई? भाई आज बिना चश्मे के शक्ल दिखा दो। कौन हो आप? कितनी पी रखी है इसने, ऐसा लग रहा है। आप कौन? 2000 years later. बाकी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं गाइस, और यहाँ पे सब लोग उतर रहे, आ जाओ बाहर आ जाते हैं, एक स्पीकर ले लो। हम लोग एक्चुअली पूरे 4-5 जंगल क्रॉस करके सब कुछ क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरा अंधेरा है, रात के 2 बज रहे अभी, और यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। मोइन लोग पहले ही दूसरी गाड़ी से पहुँच चुके थे और मैं डार्क लॉर्ड यहाँ पे उतरते हुए फ्लैश। रात के 2-3 बज चुके हैं और हम लोग रात में यहाँ पे पहुँचे हैं। तुम्हें अगर दिख रहा होगा तो ये कैंपिंग साइट है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ है, जो वेरुल्फ के रिश्तेदारों ने हमें सजेस्ट की थी और उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लगा के हम लोग रात के 2 बजे पहुंचे। लेकिन स्टैचू वहाँ कहाँ है? स्टैचू अभी दिखेगा नहीं, रात हो चुकी है, कल सुबह दिखाएंगे। Later that night. भाई यहाँ पे मकड़ी को माकड़ मैन इधर नहीं, ये पीछे सामान देखना, कोई पीछे कुछ निकले भाई हाथ में देखो इसके क्या है, जरा उसको अंदर रखना वरना ब्लॉक से हम लोग। रुक जाओ एक मिनट, मकड़ी को आखिरी कुछ सा मोइन तेरे हाथ बहुत लंबे है ना, हाँ बुझा दे।
भाई क्या हाल चाल। और ये है हमारे ट्रिप का आई गेस डे टू, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। कैमरा फ्लिप होगा भाई, जगह तो एक नंबर है। जस्ट मेरा मेडिसिन का अलार्म बजा है, अब क्या ही बताऊं, मेडिसिन तो भूल गया हूँ। हमारे दो चिरंग गायब है, शायद तक वो आगे वाली ऑटो में चल रहे हैं। लेकिन आगे ऑटो ही नहीं, दूर दूर थोड़ा दूर। अगर आपको ज़ूम करके दिखा पाता हूँ, बट कोई बात नहीं गाइस, ये रहा वे रास्ता है, बस पहुँच के अभी हम लोग। बड़ी आ चुके हम लोग वापस से, और ये रहा हमारे पीछे स्टैचू जो आपको दिख रहा है। वेट लेट मी गो इन ओपन एरिया, एंड ये रहा जो अभी हम लोगों ने गाड़ी में दिखाया। एंड हमारे साथ है हमारे संवाददाता, बताओ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। डार्क भाई, बार्क गॉड, दैट्स नॉट अ डार्क लॉर्ड बाय द वे, ट्रेज मैक हियर, एंड साहिल ड्रिफ्टर, नॉट अ ड्राइवर गाइस, ही इज अ ड्रिफ्टर। सो इसमें यार एक तो फर्जी कैमरे में क्या बताऊँ मैं, फ्लिप नहीं कर सकता। पीछे का व्यू देख लो जरा, लुक एट द व्यू गाइस, वाओ इट्स अमेजिंग। वेट एक काम करते हैं, तुम्हें और अच्छे से दिखाते हैं। कैन वी गो थ्रू द गार्डन? आई गेस नो 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 नो, हम लोग को थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग यहाँ पर जस्ट पहुँच चुके हैं, हम लोग आ चुके आए थे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसका कुछ चार्जेस बताओ, चार्ज बताओ, चार्ज बस, अगर इफ़ यू विल टेक अ बस देन वो फ्री होगा राइड, बट हमारे नवाबी के सौदे लोगों ने अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल करवा के आए हैं। सो पर पर्सन सॉरी मतलब पर व्हीकल यहाँ पे 110 रुपये चार्ज है, प्लस दूसरा के उसमें दो लोग मैक्सिमम, तीन लोग मैक्सिमम बैठ सकते, बट हमारे पास ऑलरेडी ट्रिपल एक्सल साइज़ का बंदा था। सो आई थिंक वी हैव टू ब्रेक द लाइन। लुक एट द व्यू भाई, बाप रे, इट्स अमेजिंग भाई, वाह। और गाइस यहाँ पे मेरे साथ है तीन गरीब भूखे नंगे गवार, सॉरी तीसरा आया नहीं, मैं नहीं हूँ ना, इसलिए तो देखो गाइस ये अकेला ही तीन के बराबर है। ये जो लंबा वाला आदमी दिख रहा है, इसके पैसे नहीं थे बेचारा, हमें रास्ते में मिल गया तो हम लोग ने इसका टिकट खरीद लिया भाई। गरीबों की मदद करते रहना हमेशा हमारी तरह। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि ना नु गाइस वैसे तुम लोग अगर नहीं मालूम तो टिकट मेरे ही फोन में, अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो CISF के जवान इनकी मार लेंगे। और ये जो दूसरा देख रहे हो, ओ भाई चाबी तो मेरे पास है। क्या भाई क्या सस्ते फोन में दिखा रहे हो भाई, ये अपना क्या जरा चश्मा उनको वापस कर दो भाई, टी शर्ट इनकी दे दो भाई। गाइस ये आदमी हम लोग को कैंप साइट पे मिला था, बेचारा बोल रहा था दो दिन से कुछ खाया नहीं है, तो हम लोग ने इसको खाना, ये फोन वोन सब दे दो ना, ये क्या करोगे, ये बस ये रिकॉर्ड करने के बाद फोन इसको गिफ्ट करने वाले हम लोग, टेंशन मत लो। देखो गाइस पीछे क्या सेक्स भाई, अगर मैं आपको यहाँ पे फेंकू तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा या आप नीचे ले आओगे भाई, चैट कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों को खरीद लूँ तो।
लिया गया है वहाँ पे, यहाँ पे देखो गाइस एक 30 रुपए लेके क्या फोटो खींचने का, जो जहाँ दिखता है बिजनेस। यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत अच्छी आंटी भी बैठी हुई है। मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती भाई, ये वीडियो निकाली ना 30 रुपए में जीपे लूंगा, जीपे साहिल देंगे भाई। बार बार पूछ रहे तो रिक्शा में आंटी जीपे दू जीपे दू। पूरी ब्लॉक के अंदर फ्रंट कैमरा यूज करना ही भूल गए, और ये हमारी दो चिरान आते हुए भाई पूरी ब्लॉक में हमने बैक कैमरा यूज किया, ये तो किया ही नहीं, ये भी किया थोड़ा मैंने किया है, बहुत कम किया मैंने तो किया है। अरे देख भाई एक चीज मैंने देखा है, ब्लॉग वही अच्छा चलता है जिसमें सिनेमैटिक शॉट ज्यादा है, लोगों को देखना पसंद है। तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल देख के लोग 2 मिनट बाद बोलेंगे भूसड़ी कुछ दिखा तो कहाँ गया। देखो हमें ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास हैंगे ट्रेज में पढ़े लिखे गए हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हर एक चीज जानते हैं। जैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये सही बोल रहा है गलत ही तो हमें ही नहीं पता। गाइस कमेंट सेक्शन में तुम बताओ क्या वो सही था या गलत था। गाइस ये शक्ल देख रहे हो, इसके ऊपर एक रील आने वाली है, दाढ़ी भी दिखा दो। गाइस दाढ़ी भी है, ऐसी चाहिए ऐसी बापूजी बोल रहे हैं, मेरी तो है ही नहीं, मैं बोलूंगा। देखो गाइस हार्ड आओ गाइस लोगों से यहां पे मिलते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। चलो इंटरव्यू में ट्रेस में तो गाइज मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं गरीब ढूंढ रहा हूँ, तो पहला गरीब हमें मिल चुका है। और आप कहाँ से आए, कौन से शहर से आए हैं? अरे भाई सब बता दे रहे भाई, तो बताइए कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या था? बस हमारा मकसद था चप्पल का सॉल कौन सी कंपनी का था वो देखना था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बांग्लादेश से भागे हुए आए हैं? नहीं नहीं मैं भूटान का हूँ। भूटान के हो? यस। और हमारे साथ एक स्मार्ट हैंडसम सलमान का डबल कॉपी ड्रिफ्टर भाई। हेलो हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, हम अभी डिस्प्रेशन में।